Hi kids, welcome to your English class. And I'm your teacher and mentor Ananya, and I'm back with a new lesson where we shall be studying a new chapter of your book, that is Literary Journeys, an English Reader for Class 3 by Brainwood Publication. Children, so far we have completed 10 chapters and today we shall begin with chapter number 11, The Judgment of a King. एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका टाइटल है जजमेंट ऑफ अ किंग। बच्चों, हमारी लाइफ में कई बार ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं जहां हम सही गलत में फ़र्क नहीं कर पाते, हमें समझ ही नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत है। ऐसी मुश्किल घड़ी में हमें बहुत ही शांति से सोच समझ के और सूझबूझ के साथ सिचुएशन को देखना चाहिए, समझना चाहिए और फिर कोई फैसला पे आना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जल्दबाजी में हम कुछ डिसीजन ले लें और फिर उसके लिए हमें पछताना पड़े। तो आज ऐसे ही हम एक राजा की कहानी पढ़ेंगे जहां एक राजा भी ऐसी ही मुश्किल में पड़ गया था, जहां उन्हें समझ नहीं आ रहा था क्या सही है क्या गलत है। क्या किया उस राजा ने उसके बाद, यही आज की कहानी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Think of an incident when there was a situation in which your class teacher or principal had to decide between right and wrong. आपको एक ऐसा सिचुएशन सोचना है जहां आपका क्लास टीचर या आपके प्रिंसिपल को डिसाइड करना पड़ा कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर आपने कभी ऐसा सिचुएशन देखा हो तो उसको अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए। Here is such a story of a wise king who once came into a great dilemma. आज जो हम कहानी पढ़ेंगे वो भी एक राजा के बारे में है जो ऐसी ही एक परिस्थिति में पड़ गया, एक ऐसी सिचुएशन में आ गया जहां उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि सही क्या है और गलत क्या है। He judged wisely and punished the liar. Let's read the ethical story. काफ़ी ध्यान से उन्होंने दोनों पक्षों की बात सुनी और फाइनली जजमेंट दिया, और जो गलत यानी दोषी था उसको उन्होंने पनिशमेंट भी दिया। आइए इस राजा की कहानी पढ़ते हैं। Once there was a wise king in Israel. Israel is a name of a town. वहाँ एक बहुत ही अच्छे राजा रहा करते थे जो कि काफ़ी बुद्धिमान थे। He was known for his wisdom and justice all over the world. वो पूरी दुनिया में अपनी सोच, अपनी बुद्धि और अपने न्याय के लिए जाने जाते थे। All the people loved him and honored him. सभी लोग उनको प्यार भी करते थे और उनका बहुत सम्मान भी करते थे। One day when the king was sitting in his court, see, ये राजा का राज दरबार और वो सिंहासन पे बैठे हैं। तो एक दिन जब राजा अपने राज दरबार में बैठे हुए थे, दो औरतें उनके पास आईं। Two women entered and came before the king. They were real sisters. दोनों ही सगी बहनें थीं, ठीक है? They were weeping, one of them had a baby in their arms. दोनों ही रो रही थी और एक औरत के हाथ में एक छोटा सा बेबी था, एक बच्चा था। They were shouting and quarreling over the baby. वो दोनों इस बच्चे को लेके लड़ रही थी और चिल्ला रही थी। Both of them were claiming to be the mother of the same baby. दोनों ही कह रही थी कि ये उसका बच्चा है, ठीक है? They wanted justice from the king. Each woman begged the king to give her the baby. दोनों ही न्याय की गुहार लेके राजा के पास पहुँचे और कहने लगे, महाराज आप न्याय कीजिए, आप हल कीजिए, ये मुझे मेरा बच्चा नहीं दे रही। दूसरी बहन भी बोल रही है ये मुझे मेरा बच्चा नहीं दे रही। अब राजा परेशान। It was a very interesting case. All the courtiers were surprised to hear it. जितने भी वहाँ पे मंत्री राजदरबारी बैठे हुए थे सब चौंक गए, ऐसा केस उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। Neither the king nor nobody else knew how to solve the problem. The king thought for a minute and asked them, whose baby is this? Tell me truly, it's mine, each one said. अब राजा ने कुछ देर सोचा, फिर पूछा, सच सच बताओ दोनों में से किसका बच्चा है ये? दोनों ने एक साथ बोला, ये मेरा बच्चा है। अब राजा चुपचाप उन दोनों की तरफ देखने लगे। I want to know whose baby is this? The king again asked angrily. One baby cannot belong to two mothers. Tell me truly. अब जो राजा ने फिर से गुस्से से चिल्लाकर पूछा, मैं पूछ रहा हूँ किसका बच्चा है ये? सच सच बताओ, एक ही बच्चा दोनों का नहीं हो सकता। Both the women again claimed the same baby.
दोनों औरतों ने फिर से कहा, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा है। अब राजा ने बोला, ठीक है, वेल बोथ ऑफ यू विल गेट द बेबी, दोनों को ही बच्चा मिलेगा। ही आस्क्ड हिज मेन, ब्रिंग अ सॉर्ड, डिवाइड द बेबी इंटू टू पार्ट्स एंड गिव ईच ऑफ देम वन पार्ट। एक काम करो, जाओ तलवार लेके आओ, इस बच्चे के दो टुकड़े कर दो, एक हिस्सा इसे दे दो और एक हिस्सा इसे दे दो। बट एज द कोर्टियर लिफ्टेड हिज सॉर्ड टू कट द बेबी इंटू टू, वन ऑफ द टू वुमेन क्राइड, स्टॉप स्टॉप, डू नॉट किल माई चाइल्ड, लेट हर टेक द होल ऑफ इट, बट प्लीज लेट माई चाइल्ड अलाइव। अब जैसे ही उस राज दरबारी ने, देख रहे हो, हाथ में तलवार लेके वार करने की जा रहा था, इतने में एक औरत चिल्ला पड़ी, रुक जाओ, रुको रुको, मेरे बच्चे को मत मारो, मेरे बच्चे को जिंदा रहना, जो चाहे तो दूसरी औरत को दे दो, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मेरी बहन को दे दो, लेकिन फिर भी मैं जानूंगी मेरा बच्चा जिंदा है, उसे मत मारो, उसे कोई नुकसान मत पहुँचाओ। द रियल वुमेन डिडंट स्पीक इवन अ सिंगल वर्ड, जो दूसरी औरत थी उसने एक शब्द भी मुँह से नहीं बोला। द किंग देन न्यू हु द रियल मदर वॉज, अ रियल मदर कैन नॉट बियर टू सी हर चाइल्ड किल्ड इन हर प्रेजेंस। अब राजा के सामने पूरी बात बिल्कुल साफ थी, कोई भी माँ अपने बच्चे को नुकसान पहुँचते नहीं देख सकती थी, जो लेडी रोकने गई वही असली माँ थी। सो द किंग टर्न टू अदर वुमेन एंड सेड, आई हैव कम टू नो द ट्रूथ, यू आर अ लायर, यू हैव नो लव फॉर दिस बेबी, यू कांट बी इट्स मदर, यू वर टेलिंग लाइज, आई विल पनिश यू बाई पुटिंग यू टू जेल। अब राजा ने दूसरी लेडी की तरफ देखते हुए कहा, तुम झूठ कह रही हो, तुम इस बच्चे की माँ नहीं हो, कोई भी माँ अपने बच्चे को चोट पहुँचते हुए नहीं देख सकती, इतना बड़ा झूठ, वो भी राजा के सामने, तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा और सजा दी जाएगी। बट हर सिस्टर सेड, योर मैजेस्टी फॉरगिव हर, शी इज़ माई सिस्टर, आई लव हर एंड आई कांट लिव विदाउट हर। द कोर्टियर्स ऑल्सो रिक्वेस्टेड द किंग टू शो पिटी ऑन हर, द किंग फॉरगिव हर एंड आस्क्ड हर टू लुक आफ्टर हर सिस्टर एंड हर नेफ्यू विद लव। अब वो लेडी घबरा गई, तब दूसरी औरत ने कहा, महाराज मुझे पता है मेरी बहन ने गलती की है, लेकिन फिर भी है तो मेरी बहन ही, मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ, आप इसे माफ़ कर दें, ये फिर ऐसा कभी नहीं करेगी, इसे इसकी प्राणों की रक्षा कर दीजिए, इसे क्षमा कर दीजिए। बाकी राज दरबारियों ने भी राजा से पुकार की, दया की, याचना की, तो राजा ने उसको उसकी जो सज़ा थी वो माफ़ कर दी और उसे वार्निंग दी कि आज के बाद फिर से कभी झूठ नहीं बोलोगी और आज से तुम अपनी बहन और उसके बच्चे की देखभाल करोगी। बोथ द वुमेन थैंक द किंग एंड लेफ्ट द कोर्ट, दे नेवर क्वारल्ड विद ईच अदर अगेन इन फ्यूचर। दोनों ने राजा को उनके दयालु नेचर के लिए थैंक यू बोला, धन्यवाद किया और फिर वहाँ से चली गई, फिर से कभी उन्होंने जीवन में झगड़ा नहीं किया। तो देखा किस तरह से राजा ने सूझबूझ के साथ पता किया कि बच्चे की असली माँ कौन थी। ठीक है, नाउ लेट्स डू द ग्लॉसरी। ऑनर्ड मीन्स समबडी हु इज रिस्पेक्टेड और रिप्यूटेबल। थॉट मीन्स प्लान। टर्नड मीन्स स्पिन। एंटर्ड मीन्स अंदर आना, कम इन। एंग्रीली मीन्स मैडली, गुस्से से। फॉरगिव मीन्स क्षमा करना, पार्डन। शाउटिंग मीन्स येल, चिल्लाना। क्लेम्ड मीन्स किसी के सामने पुकार करना या प्लीड करना। रिक्वेस्टेड मीन्स किसी से याचना करना। बेग्ड मीन्स किसी से प्रार्थना करना। लिफ्टेड मीन्स कैरी करना यानी उठाना। एंड फ्यूचर मीन्स आने वाला समय यानी कमिंग टाइम। ओके, सो आई होप चिल्ड्रन यू हैव गॉन थ्रू ऑल द वर्ड मीनिंग्स, यू कैन लर्न देम इन योर फ्री टाइम। नाउ इट्स टाइम टू मूव टूवर्ड्स द एक्सरसाइजेस। जल्दी से एक्सरसाइजेस कर लेते हैं। द फर्स्ट वन, वंस देयर वाज अ किंग इन ईरान, इजराइल, इराक, बर्लिन। सो इजराइल इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड, हु वांटेड जस्टिस फ्रॉम द वन, वन वुमेन, वन कोर्टियर, बोथ द वुमेन, अ सेलर। बोथ द वुमेन वांटेड जस्टिस फ्रॉम द किंग। आगे बढ़ते हैं, हु बॉट द सॉर्ड, कौन लेके आया, द किंग, the courtier, the soldier, the woman. So the courtier bought the, so the courtier bought the sword. Okay, next, who thanked the king for justice,
One woman, all the courtiers, both the women. Both the women thanked the king for justice. है ना, दोनों ने ही thank you किया न्याय करने के लिए. Now children, let's move to next exercise, that is fill in the blanks. And fill in the blanks करने के लिए हम ये help box में से words को use करेंगे. ठीक है, चलिए करते हैं. The people loved and honored the king for his wisdom. Right? Each woman begged to the king to give her the baby. Third, divide this baby into two and give each them one part. यानी बच्चे को दो हिस्से में बांट दो और एक एक हिस्सा दोनों औरतों को दे दो, उन दोनों के बीच में बांट दो. But please let my child alive. मेरे बच्चे को जिंदा रहने दीजिए, बच्चे की माँ ने बोला ना. Fifth, a real mother cannot see her child to be king. जो असली माँ होती है वो कभी भी अपने बच्चे को मरता हुआ नहीं देख सकती या चोट पहुँचते नहीं देख सकती. आइए आगे बढ़ते हैं. Now we have to do exercise number C, that is true and false. First one, the king was known for his wisdom. Yes, this is true. The two men entered the court. No, false. The two women entered the court. दो महिलाएं, दो औरतें आई थी. Third, it was very disappointing case. No, this is false. It was a very interesting case. Fourth, the king asked for a sword. Yes, true. And fifth, both women thanked the king and left the court. Yes, this is also true. Okay, so with this we are done with the true and false also. Now next exercise, exercise number D, answer the following questions. Ye aap khud karenge, I will just give you the hints for the same. Like the first question, why did the people love the king? The people loved the king for his wisdom and justice. Second, what was the quarrel between the two women? The two women were quarreling over a child. Both of them claimed to be the mother of the child. Third, why did they come to the king? They came to the king for justice. Fourth, what did the king ask his courtier? The king asked his courtier to bring the sword, cut the baby into two pieces and give the two women one piece each. Fifth, what did the king order the other woman in the end? The king ordered the other woman to take care of his sister and his nephew throughout the life. All right? So children, with this we are done with this chapter. I hope you have understood the chapter quite well. आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा. सो आई विल मीट यू अगेन विद अ न्यू चैप्टर ऑफ दिस बुक वेयर वी विल लर्न अ न्यू स्टोरी एंड लर्न सम न्यू मॉरल लेसन. सो विद दिस वी फिनिश टुडे सेशन. आई होप टू मीट यू सून अगेन. सो स्टे ट्यून फॉर द अपकमिंग वीडियो. टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर.